Morning, dear students. Today I will explain you the remaining part of this story, Alice and the Wonderland. हमने अपने पिछले क्लास में देखा था कि नीफ को क्या बंदी बनाकर ले गया, कोर्ट में ले जाया गया. उसके बाद क्या होता है देखते हैं. द बाइट ट्रेबल स्टोर नियर द किंग रेड आउट द सॉन्ग टू टेल एवरीबडी वॉट अ बैड नेफ ही वॉज एंड टू डिसाइड वेदर ही वॉज guilty or not guilty. Alice was sitting close to the jury box and she was called as a witness who has seen the prisoners do whatever he is accused of or knows of something that's important in the trial. Okay, अब क्या होता है white rabbit. या white rabbit वही है जो बाकी आपने 6th और 7th class में देखा था Alice in the Wonderland में. तो वही वाइट रैबिट कहाँ रहता है, किंग के पास रहता है और वह फिर से वही सॉन्ग को दोहराता है और सबको यह बताता है कि जो नीव है वो क्या है, बहुत ही बुरा है और ही वॉज वन टू डिसाइड वेदर ही वॉज गिल्टी और नॉट. और वह इस चीज़ के लिए क्या करे, गिल्टी है या नहीं इस चीज़ को डिसाइड किया गया वहाँ पर करना है, इस बारे में कहता है. एलिस वॉज सिटिंग क्लोज टू द जूरी बॉक्स. और जो एलिस थी वो जूरी बॉक्स के बाजू में ही बैठी थी, पास में ही बैठी थी. शी वॉज कॉल्ड एज अ विटनेस, उसे विटनेस के रूप में बुलाया गया. विटनेस बट द एलिस डिड नॉट नो एनी थिंग अबाउट इट. वाई इन द वर्ल्ड डिड दे वॉन्ट हर टू बी अ विटनेस शी थॉट. अब एलिस को ये समझ में नहीं आया कि क्यों उसे वहाँ बुलाया जा रहा है. बिकॉज वाई इन द वर्ल्ड डेड दे वेंट हर बी टू बी विटनेस, क्यों उस जगह उस दुनिया में उसे विटनेस के रूप में बुलाया गया. वह यह कहती है क्योंकि उसे किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं था. द रैबिट ब्लू हिज ट्रम्पेट एंड शाउटेड आउट एलिस एंड एलिस जम्प्ड अप इन अ ग्रेट हरी एंड हर स्कर्ट ओ इट कॉट अगेंस्ट द जूरी बॉक्स एंड टिप्टेड इट एवर एंड ऑल द पुअर लिटिल जूअर्स केम ट्रम्बलिंग आउट ऑफ इट. अब क्या होता है रैबिट ट्रम्पेट बजाता है और उसे आवाज़ लगाता है एलिस. फिर एलिस एकदम जल्दबाजी में कूदती हुई भागती हुई जाती है जिसकी वजह से उसका स्कर्ट किस में फंस जाता है, जूरी बॉक्स में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, गिर जाती है कि इनके ऊपर बेचारे जूरर्स के ऊपर. जो जूरी जो जूरर्स होते हैं वहाँ पर जो मेंबर्स जो बैठे रहते हैं जो पूरे सबूतों और गवाहों को देख कर वो निर्णय लेने का काम करते हैं उसे हम बोलेंगे जूरर्स. ठीक है, उसकी वजह से वो जो छोटे छोटे जूरर्स थे वो क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं. एलिस picked them all up again very carefully. उन सभी को वह उठाती हैं ध्यान से. The king wanted the jury to set whether the knave of the hearts was guilty or not guilty. जो king है वह उसे चाहती थी जूरी से कि वह यह प्रूफ करे कि जो knave of hearts है, जो गुलाम है, वो क्या है, इस चीज के लिए guilty है या नहीं है. The queen wanted to punish them. जो रानी थी वो चाहती थी कि उसे क्या किया जाए, पनिश किया जाए. The knave first of all, but the Alice. वो चाहती थी कि सबसे पहले किसको बंदी बनाया जाए, नीफ को, गुलाम को. कौन, रानी चाहती थी. लेकिन एलिस ने कहा तो एलिस दैट स्टफ एंड नॉनसेंस, कैसा बेवकूफ़ों भरा विचार है आप सभी का. द क्वीन सेड ऑफ विथ हर हैड व्हाट शी ऑलवेज सेड व्हेन ही वाज एंग्री, मतलब कि ऑफ विथ हर हैड, मतलब कि वो क्या हो गई, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई. कौन, रानी, ऐसे बातें एलिस की सुन के. सो एलिस रिप्लाइड हु केयर्स फॉर यू, यू आर नथिंग बट अ पैक ऑफ कार्ड्स. द क्वीन सेड ऑफ विथ हर हैड, मतलब कि एलिस के इन बातों को सुनकर रानी ने यह कहा कि इसकी गर्दन उड़ा दी जाए या काट दी जाए. लेकिन जो एलिस है वो रिप्लाई करती कि कौन तुम्हारी इन बातों को सुन के तुम्हारा केयर करता, कौन तुम्हारी चिंता करता है, बस क्या हो तुम, पैक ऑफ कार्ड्स है ना, जितने
जितने भी जूरी मेंबर्स थे, किंग थे, क्वीन थे, मैंने चैप्टर के स्टार्ट में ही बताया था आपको कि वो सारे क्या हैं, कार्ड्स हैं, है ना, ताश के पत्ते। तो वही एलिस बोलती है कि तुम सब हो कौन, तुम्हारा कौन केयर करता है, तुम सब क्या हो, सिर्फ एक ताश के पत्ते हो। सो दे वर ऑल एंग्री एंड फ्लू अप इन टू द एयर, देन दे ऑल केम ट्रेवलिंग डाउन अगेन ऑल ओवर पुअर एलिस जस्ट लाइक अ शावर ऑफ रेन। अब सबके सब यह सुनकर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और हवा में उड़ने लगते हैं और उड़कर नीचे गिरते हैं, जैसे कि शावर ऑफ रेन मतलब कि बारिश गिरती रहती है किसके ऊपर, एलिस के ऊपर गिरने लगते हैं सब ऊपर से नीचे। फिर द नेक्स्ट थिंग, एलिस वोक अप आउट ऑफ हर क्यूरियस ड्रीम एंड शी फाउंड दैट द कार्ड्स वर ओनली सम लीव्स ऑफ द ट्रीज दैट द विंड हैड ब्लोन डाउन अप हर अपॉन हर फेस। अब क्या होता है दूसरी बार कि जो एलिस है वो वोक अप आउट ऑफ हर क्यूरियस ड्रीम, अपने जो अजीब से सपने थे ना, क्यूरियस अजीब अजीब सा जो सपना था उससे वह बाहर निकल जाती है और यह देखती है कि जो कार्ड है वो कार्ड नहीं बल्कि ट्री के लीफ थे जिसके नीचे वह लेटी हुई थी। वहाँ जो हवा चल रहा था उसके वजह से उसके फेस में क्या गिर रहे थे, पत्ते गिर रहे थे पेड़ के उस, और वह उसे क्या समझ रहती है, कार्ड, ठीक है। वुड नॉट इट बी अ नाइस थिंग टू हैव अ क्यूरियस ड्रीम जस्ट लाइक अ एलिस, टू हैव अ क्यूरियस ड्रीम लाइक अ एलिस, लाई डाउन शट योर आइज टाइट एंड गुड बाय एलिस डियर गुड बाय। वुड नॉट इट बी अ नाइस थिंग टू हैव अ क्यूरियस ड्रीम, क्या यह बहुत अच्छी बात है कि नहीं कि हमें भी उसकी तरह अजीब सा क्या है सपना है या एलिस की तरह, और ऐसा सपना आने के लिए हमें क्या करना होगा, ले डाउन लेटना होगा, शट योर आइज अपनी आँख बंद करनी होगी टाइटली और ओके उसके बाद ही हमें ऐसे सपने आएंगे। सो गुड बाय एलिस डियर गुड बाय से गुड बाय करते हैं फिर। सो दिस इज़